ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृतये भद्राय नियतापणता स्मताम् या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हमारा ये चैनल आचार्यवाणी है और इसके माध्यम से हम गोचर में ग्रहों का खेल क्या हो रहा है, क्या समय आपको कहां किस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है, क्या ग्रहों का योगायोग आपके साथ करने जा रहा है, इस सब का ज्ञान देने के लिए कार्य इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। आज हम उपस्थित हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों, मंगल और शनि आने वाले समय में षडाष्टक योग बना रहे हैं। षडाष्टक छठे आठवें एक दूसरे से होने जा रहे हैं। ये छठे आठवें का योग जो मंगल शनि का विशेष तौर पर बड़ा अशुभ योग माना जाता है और ऐसे में शनि पूर्ण ताकत में है और मंगल बिल्कुल कमजोर है। और तुला राशि वालों के लिए तो विशेष तौर पर समझें कहां कहां बैठे हुए हैं। बुद्धि स्थान में बैठे हैं आपके खासतौर पर शनि महाराज और खासतौर पर आपके, यदि हम देखें तो आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर चतुर्थ भाव आपके दशम भाव में बैठे हैं मंगल इस वक्त। और आपकी राशि के अनुसार से मंगल बहुत इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं आपकी राशि के अनुसार से। तुला राशि वालों के लिए मंगल मार्गशीर्ष हो जाता है और ऐसे में मंगल का षडाष्टक योग बनाना शनि के साथ और मंगल का कमजोर हो जाना, हर राशि में कोई ना कोई प्रभाव होता है। जब मंगल कर्क राशि में आते हैं तो सबसे कमजोर होते हैं, सबसे कमजोर अवस्था में हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। मंगल इसी प्रकार से मकर में आए तो परिपूर्ण के उच्च हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेष में आकर स्वग्रही और वृश्चिक राशि में आकर स्वग्रही हो जाते हैं। लेकिन जब कर्क में आते हैं, चंद्र की राशि में आते हैं, तो कमजोर क्षीर्ण हो जाते हैं। और क्षीर्ण जब मंगल हो जाए, मंगल किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। ग्रहों में सेनापति कहा जाता है मंगल, और विशेष तौर पर बड़ा साहसी ग्रह माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का साहस देखना हो कि कितना अटेम्प्ट वाला भाव है, मंगल का, मंगल की स्थिति को देखना चाहिए कुंडली के अंदर। ऐसे में मंगल का सबसे कमजोर अवस्था में होना, शनि के साथ षडाष्टक योग बना लेना, ये किसी प्रकार भी अच्छी बात नहीं दिखाई देती। शनि वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट भाव में इस वक्त चल रहे हैं और आपके जीवन साथी को देख रहे हैं, आपके विशेष तौर पर बुद्धि के स्थान पर तो स्वयं वो बैठे हैं, अपनी राशि को लेकर वहां बैठे हैं और साथ साथ लाभ के भाव को देख रहे हैं। और मंगल विशेष तौर पर, जैसा हमने कहा कि द्वितीय और अष्ट सप्तम भाव के मालिक हैं, मार्गशीर्ष हो जाते हैं, तो ऐसे में मंगल की स्थिति शनि के साथ जिस प्रकार का योग बनाना और अपनी अष्टम दृष्टि से शनि की, जैसे मंगल की दृष्टि जो होती है वो सप्तम भाव की दृष्टि तो है ही, लेकिन चौथे भाव को भी देखते हैं अपने से और साथ साथ अष्टम भाव को भी देखते हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं शनि, इसलिए षडाष्टक योग इनका बन गया। पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और ये योग जो है ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, गाड़ी वाड़ी बहुत सोच समझ से चलाने की जरूरत है। 30 जून तक ये योग चलेगा विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ। ऐसे समय में आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि मंगल का ये करीब करीब जो 50 दिन का पीरियड है, ये आपके लिए विप्लवकारी रहेगा, आपके साहस को कम कर देगा, हिम्मत को कम कर देगा। जो बहुत सारे कार्य होने जा रहे थे बिल्कुल, क्योंकि दशम भाव कार्यस्थल का भाव माना जाता है, दशम भाव कार्य को पूर्ण करने का भाव माना जाता है। जिस प्रकार से बृहस्पति महाराज ने बड़ा सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बना रखा है, लाभ देने की स्थिति बना रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी कर देगा। सब बढ़िया है, कहा है ना कि भाग्य तो आपके द्वार पर आके खड़ा हो गया है, अब खटखटा रहा है, तो आपको जो उस खिड़की को खोलने का, दरवाजे को खोलने की जो सामर्थ्य देता है वो मंगल देता है और वो ही क्षीर्ण हो गए ऐसे में जाकर, तो वो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देगा। ऐसे में अपने अंदर विश्वास जगाइए। अब यह स्थिति ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही बैठ गए तो ऐसा ही होगा, नहीं, उसको परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। आपने समझ लिया कि ऐसे में मेरे ग्रह कमजोर है तो मुझे उनको ठीक करने का प्रयास करना है, उपाय भी तो करते हैं। जब पंडित जी के पास, किसी के पास जाते हैं, कोई समस्या हो जाती है, तो जैसे डॉक्टर के पास गए तो बोले रास्ता बताइए ना, इसका उपाय कौन सी दवाई खाऊं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो कहते हैं कि किस प्रकार से ठीक कर ले, तो दवाई दे दीजिए, दवाई करके ठीक कर वो आप समस्या ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर एक जो निदान करने के बाद जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो है कई प्रकार के मंत्र विज्ञान, औषधि विज्ञान, दान का तरीका और कई प्रकार के उपचार करने के तरीके शास्त्र में बताए गए हैं। आपको समझ लेना चाहिए मंगल का उपचार किस प्रकार से किया जाए, बिल्कुल इस स्थिति को आप ठीक कर सकते हैं। देखिए भगवान ने
हर चीज, प्राकृति ने हर चीज को ठीक करने की व्यवस्था बनाई है। यदि एक जगह कोई खराब होता है तो उसको ठीक करने का रास्ता भी वहीं कहीं विद्यमान होता है। कई बार हमें कथा सुनाते हैं कि जैसे हनुमान जी जब लंका पहुंचे, भगवान की आज्ञा से गए थे, तो वहां तो कुछ था ही नहीं किसी प्रकार से। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन वासा। हनुमान जी ने स्वयं यही बात रखी है, तुलसी बाबा के माध्यम से उन्होंने रखा है कि सज्जन का, अरे हर जगह कोई ना कोई गुप्त दरवाजा है, भगवान ने दिया हुआ है। जो जागत है, जो पावत है, जो कर्म को जान लेते हैं, भगवान पे इच्छा रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, उनको दरवाजा मिल जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। तो समझिए इस स्थिति में भी क्या सुंदर योग बना के भगवान ने बनाया, सुंदर व्यवस्था करी। अंगारक चतुर्थी का सुंदर योग, एक साथ दो अंगारक चतुर्थियां उपस्थित हो गई हैं एक ही महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, जब बुढ़वा मंगल, ज्येष्ठ के मंगलों को बुढ़वा मंगल कहा जाता है, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, हनुमान जी के जो भक्त होंगे, बुढ़वा मंगल हनुमान जी की आराधना करने का सबसे सुंदर मास माना जाता है कि ज्येष्ठ का महीने में जितने मंगलवाएं आराए सब बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। उस दिन विशेष तौर पे ज्येष्ठ के मंगलवार के दिन दो मंगलवार ऐसे पड़ रहे हैं जिस दिन अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। अंगारक चतुर्थी यानी मंगल और चतुर्थी का योग, ज्येष्ठ का महीना, मंगल चतुर्थी का योग। अंगारक चतुर्थी का मतलब मंगल की उत्पत्ति का दिन, मंगल का हैप्पी बर्थडे, मंगल का जन्मदिवस। अब मंगल का जन्मदिवस यानी आप किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ शनि का जन्मदिवस भी आ रहा है, शनि जयंती भी ज्येष्ठ के महीने में पड़ रही है, और इस अशुभ योग को ठीक करने के लिए इतने सुंदर पुण्यवान अवसर पड़ रहे हैं तो उनको ठीक कर सकते हैं आप। 19 मई को शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या का योग बनेगा, समझ लीजिए। इतनी सुंदर तिथियों में आप इन सब चीजों को ठीक करने का सुंदर योग बना सकते हैं, तो क्या करें उसके लिए? अरे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अब मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूं, कुछ और दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि संबंध ही हनुमान जी के साथ है। मंगल है कौन? मंगल वीरभद्र हैं, भगवान रुद्र के रुद्रावतार, भगवान शिव के रुद्रावतार, जो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए, धरती से उत्पन्न हुए, इसलिए भूमिपुत्र भी उनको कहा जाता है। और विशेष तौर पर जब भगवान, जब सती जी यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर चुकी थी, तब भगवान ने रुद्र रूप धारण करने के लिए वीरभद्र को उत्पन्न किया, और वो यज्ञ का विध्वंस करने के बाद, दक्ष का संहार करने के बाद भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए, तो उस दिन से उनका नाम वीरभद्र का नाम मंगल हुआ, मंगल के रूप में वो इस सौरमंडल में स्थित हुए। तो उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया चीज हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का पूजन। स्कंद पुराण के अनुसार से ये कथा मिलती है और आप इसको कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मैं आपको जो भी चीज है शास्त्रोक्त विधि से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शनि को आशीर्वाद किसने दिया? शनि ने आशीर्वाद किसको दिया? हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, वही लंका में जब हनुमान जी ने शनि को विशेष तौर पर वहां दासत्व मुक्त किया, रावण का लंका का संहार करने के बाद, जलाने के बाद, तब हनुमान जी शंकर, जो शिव शंकर जी ने कहा कि आज के बाद आपके भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा, जो आपका भक्त होगा वो हमेशा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, मेरा उनको कभी भी अनिष्ट प्रभाव। तो आप समझ लीजिए ये मंगल जब कमजोर हो गए तो हनुमान जी को प्रसन्न करें। लाल देह लाली लसे हरधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसु। तो कोशिश करें उस दिन सुंदर तरीके से इन तीन तिथियों में विशेष तौर पर आप कार्य कर लें, आपका कुछ अहित नहीं होगा। तो आप कोशिश ये करें इस शुभ तिथि में, हमने तो अपने आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तिथि को, कार्यक्रम को रखा है, तो आप भी उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उस दिन तीनों जगह पर सुंदर कांड की सुंदर व्यवस्था है। हमने तो ज्येष्ठ के पूरे मंगलवारों, बुढ़वा मंगलवारों में सुंदर सुंदर कांड का आयोजन आश्रम पे रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। और साथ साथ शनि जयंती के दिन हमने सुंदर कार्यक्रम में व्यवस्था करी है कि 100 पाठ हनुमान चालीसा, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई, कहा जाता है तुलसी बाबा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तुलसी बाबा ने लिखा, अगली लाइन में लिखते हैं, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महा सुख होई। फिर काय का दुख, सुख का मार्ग तो वहां प्रशस्ती है ना। और आप क्या लगे हुए हैं भैया, तेल पे तेल, शनि की प्रतिमा पे डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। शनि महाराज ने कहां लिखा कि तेल चढ़ाओ? ये तो जो आज व्यवस्थाएं बन गई, श्री किसी ने आधुनिक देवताओं का मंदिर बना लिया, शनि देवता का मंदिर बनाकर तेल बेचने का धंधा बना लिया लोगों ने। कोशिश करें शास्त्र के वास्तविक स्वरूप को समझें। और हमने उस दिन सुंदर तरीके से इस सुंदर पाठ का व्यवस्था करी, आप भी
अपनी घर पर बैठकर बहुत दूर है तो स्वयं करिए इन तीन तिथियों में पाठ और देखिएगा मंगल का दुष्प्रभाव आप पे नहीं होगा। और ऐसे में इन सब ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे श्रेष्ठ है, आप करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो, जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, मंगलिक है जो लोग, उनके लिए विशेष तौर पर ये योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है तो आप कोशिश ये करें, इस प्रकार से इनका उपाय करने का प्रयास करें, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।